अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 4 मिनट पहले आ गई, क्लास में देख रही थी और आज काम भी ज्यादा है तो इस वजह से मैं थोड़ी देर पहले आ गई। हर दफा कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। लास्ट टाइम आई रिमेम्बर आई वाज लेट सो एंड आई डिडंट लाइक इट, सो हियर आई एम। और आज हम कैलीग्राफी करेंगे। ये आपको बोर्ड नजर आ रहा है, इसके ऊपर ये कलम है और हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बिस्मिल्लाह। अब बिस्मिल्लाह चूंकि हमने थोड़ा सा शॉर्ट लिखना है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं आपके कमेंट्स, वालेकुम अस्सलाम आज फिर साहब जी वालेकुम अस्सलाम, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और मैं रिप्लाई भी करूंगी। ये पॉसिबल है अगर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो कि हम इसको उठा कर इधर रख दें कि वो उसका विजन भी नहीं ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा फिर रहने, ठीक है। सो वी स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल कलम और फिर हम बड़े पर आएंगे। अच्छा हम अभी छोटी कलम से बिस्मिल्लाह लिखना शुरू करेंगे। वालेकुम सलाम, मैं थोड़ा सा लिखूंगी, मैं आपके कमेंट्स के जवाब देती हूँ। अभी हम ये मैंने कलम लिया है, अगर आपको ये नजर आ रहा है तो इसे बहुत दूर है कैमरा, ये देखिए हम बिस्मिल्लाह लिखते हैं। बल्कि पहले हम पेंसिल से ना थोड़ा सा पेंसिल मुझे पकड़ा देना, तो इसलिए पकड़ा दें हम थोड़ा सा आउटलाइन बना लेते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पर क्या क्या करना है। वाइट वाली दे दें, वाइट वाली दे दें, पेंसिल वाइट दे दें। इसके बाद ना मैं इसको करीब ले आऊंगी, सो यू विल बी एबल टू वॉच इट क्लोजली। अच्छा अब हम इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं कि आपको नजर आ जाए, हम इसको करीब कर लेते हैं बिकॉज आई रियली वांट यू टू सी दैट। इस ये बेटा देख रहा हूँ अब बिठा रहा हूँ। कलम का साइज जो है वो ये है, मैंने इसको नीचे करते हैं, नीचे नीचे, हाँ थैंक यू। ये छोटा कलम का साइज है और हम इससे पहले हम लिखेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको नजर आ रहा है कलम की जो नेचुरल मूवमेंट है, अगर हम उसी को रखें तो वो ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे मैं कितनी अच्छी टीचर हूँ ना, मैं टाइम से भी पहले आ गई, टीचर्स तो लेट आते हैं। और पहुंचना भी थोड़ा सा मुश्किल है। थैंक यू सो मच। आप कह रहे होंगे कि मैं लाइन क्यों लगा रही हूँ, लेकिन जब मैं लिखूंगी तो आपको इन लाइन्स की बात समझ आना शुरू होगी, अभी नहीं आएगी।
अल्लाह का नाम लिखना जो है ना, वो सबसे ज़्यादा पसंद है। और देखो ज़रा कि अल्लाह का नाम और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखने में इतना खूबसूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान अब आप अगर ये देखें तो हमें देखा मेरी कोनी का बजाई ओके So I hope that you are getting what I'm making. मेरे टीचर कहते थे कैलीग्राफी तो कभी नहीं मुझे किसी ने सिखाई, जो मुझे पेंटिंग कहते थे वो कहते थे देख देख के आ जाती है, देख देख के आ जाती है, मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता था, देख देख के कहाँ से। इसमें देखिए मैंने एक अलिफ शायद कम डाला है, यस एक अलिफ हमारा हो गया है कम। तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो आप यकीन मानें कि आप फंस चुके हैं। और आप यकीन मानें कि अल्लाह आपको बचा लेंगे जैसे मुझे बचा लिया, एक अलिफ कम था। ये डिजाइनिंग में ये हो जाता। सो हमने ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखी। अच्छा अब आप पता क्या करें, हेलो आप ये करें कि आप ये स्टैंड इधर रखें और ये कैमरा ना इधर रखें ताकि इनको ये नजर आए। मैं नहीं नजर आ रही, कम से कम ये तो लिखते हुए नजर आए, ये इधर रखें। ओके सो अभी तक हमने ये बिस्मिल्लाह लिखी है, वो इधर लगा दें। अब हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारे कैमरे शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि हमारी कभी प्रैक्टिस ही नहीं होती, पूरी नहीं होती, सारा दिन कामों में गुजर जाता है। मेरी 600 रुपए की चप्पल छुपा दें प्लीज, ये वैसे दिखा दें, अच्छी बात है। चलो
ये देखें, अभी तक हमने ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखी है, पढ़ लेना। हेलो, दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव रिटन सो फार। अब हम अगला स्टेप जो है वो आपको सिखाते हैं। उसके लिए अब बड़ा कलम है, ये कलम, दिस इज स्लाइटली बिगर। हेलो, है ना, एंड टाइम पे मुझे भी सूझती है, एंड टाइम पे मेरे मशवरे शुरू हो जाते हैं, मतलब बातें ही सुना दे मुझे। ओके, सो अब हमने कलम चेंज किया। वंस अगेन द कलम इज चेंज। आपने देखना ये है कि मूवमेंट क्या होती है। अलिफ जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, जो मुझे ज़िंदगी में, मुझे क्या बड़े बड़े खतातों को कभी लिखना नहीं आ सकता, वो है अलिफ। अलिफ बहुत खूबसूरत है लेकिन बहुत मुश्किल है इसको लिखना। और अलिफ लिखने के बाद ऊपर से आपने ये करना है, एंड देन मैं वैसे कलम की चीजें यूज कर लेती हूँ। अलिफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आप टाइम लैप्स में मेरी वीडियोस देख रहे थे ना, स्पीड स्पीड में गुजर रही होती है, वो भी ऐसी होती है। आप कहते हैं रावी तो काम ही नहीं करती होगी बेचारी, और बहुत काम करती है। ओके, आपने सिर्फ कलम की मूवमेंट को देखना है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि खताती इज ऑल अबाउट हाउ यू यूज योर पेन, आप कलम कैसे यूज करते हैं। ऐसे यूज करते हैं। Another important thing in the calligraphy is seal. मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी लेकिन ये लिखने के बाद। मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रही हूँ ताकि मैं एक दफा लिख कर आपको समझा सकूँ। बैटरी लो बैटरी लो, चार्जर इसका पड़ा हुआ है दिल पर। हमारी ना बिल्कुल भी तैयारी नहीं होती, क्योंकि ये बेसिकली मैं सिर्फ इसलिए आती हूँ कि आप में से कोई भी सीख के अगर कैलीग्राफी करना शुरू कर देता है तो वो भाई या बहन जो है वो मेरा सबका जागिया बन जाएंगे। और मुझे एक बात समझ आती है, लाइफ में इंसान मैं नहीं क्या कर सकता, बस इसी के लिए अल्लाह ने हमें भेजा और इसी पे हमें फोकस करना चाहिए। अब मैं लिखूंगी कुल। अच्छा, ये जो काफ और वाओ है ना, इनको लिखना भी जो है वो एक ट्रीट है। ये आपने देखा, यू नो दिस इज लिटरली अ ट्रीट फॉर अस टू राइट। मुझे वाओ और काफ और हु लिखने का भी बड़ा शौक, हु लिखने का शौक जो है ना मेरे सर से पड़ा। मेरे कैलीग्राफी के सर से नहीं, मेरे पेंटिंग के सर से।
कैलीग्राफी के सर कोई भी नहीं है। जो भी कैलीग्राफी से बनाती हूँ आप खरीद भी सकते हैं, नंबर तो आप लोगों को मेरी फाउंडेशन से याद हो ही गया होगा, तो आप वहाँ पर कॉल देखिए, लेकिन कैलीग्राफी जो भी और ऑर्डर योर स्केचेस। अगर ये हो जाए, आई मीन ये हो जाए, तो इसका मतलब यह है कि आपकी कैलीग्राफी बर्बाद हो सकती है। आप रिक्वेस्ट करें, कुछ भी दे दें, ये बड़ा खतरनाक काम है। मैंने शुरू शुरू में बहुत कैलीग्राफी इस तरह से खराब की थी। अच्छा, जिस वर्ड से आज तक मेरी नहीं बनी ना, अल्लाह करे वैसे बनी जाए किसी दिन, वो ये है। मैं लिख लेती हूँ सही, लेकिन ये बहुत मुश्किल है और इसकी जो है ना कोई तुक भी नहीं बनती है। बस ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लेटर्स। That is Ain. अब हम इसके इराब डालेंगे। मैं सिर्फ इतना पूरा करके ना फिर सवालों के जवाब दे दूंगी और इसको फिर मैं अलग से पूरा करूंगी। फिर हम बाकी पूरा कर लेंगे। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि दिस इज हाउ यू कैन डू कैलीग्राफी। इफ यू कैन सी, तो हमने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और कुल औज़ु रब्बिन्नास लिख दिया और बाकी हम आपको कल सिखाएंगे क्योंकि हमें बहुत नींद आ रही है और चूंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तहज्जुद की भी एक ये अलिफ कितना मैंने टेढ़ा बनाया वो वाला। अच्छा, जब ऐसा कुछ हो जाए वो इसलिए बनाया कि मुझे उधर हाथ मेरा नहीं पहुंच पाता, तो उसके बाद आप अल्लाह का नाम लें और उसको ठीक करें।
हो गया ना सीधा. सो दिस इज व्हाट वी हैव रिटन सो फार. अभी मैं आपसे थोड़ी सी बातें करूंगी और फिर हम इसको कंटिन्यू मैं आपके पीछे कर दूंगी. अब आप उसको बेशक वापस उधर लगा दें. सो दिस इज द टाइम फॉर योर क्वेश्चन आंसर्स. ये इनको साफ करके रखना पड़ता है. ये साफ ना करें तो फिर नहीं मुसीबत. अपनी चीजों को संभालना सीखें और सवाल जवाब. ओके गदून टीवी आपके लिए दुआ करूं अभी कर दी अल्लाह ताला इन भाई की सारी मुश्किलात को हल करे. अच्छा और उस्मान वालेकुम अस्सलाम शानजे थैंक यू सो मच. थैंक यू महबूब रिंग थैंक यू भाई. मैं ठीक हूँ ग्राया थैंक यू. आई एम गुड. मैनी टाइम्स ऑन ट्विटर आई सजेस्ट यू टू फोकस ऑन उर्दू ट्रांसलेशन व्हाइल डूइंग कैलीग्राफीज. हम नॉन अरबिक लोगों के लिए कुरान समझना बहुत ज़रूरी है. किसी के दिल में कोई आए तो जाए तो वेरी गुड आइडिया. पॉइंट भी नोटेड. नेक्स्ट टाइम जो कैलीग्राफी करूँगी उसका मतलब साथ साथ बताऊँगी. कुल कहो जो भी वर्ड होगा ना उसको मैं साथ साथ बताती रहूँगी. डन डन इंशाल्लाह. So anything else that you want to say? This is the comments. Mehboob Rind. I would say Mehboob ka naam bhi Mehboob hai. So this is a very special name for me. So aapke liye bhi dua Allah Taala aapko bahut barkat de. Usman Malik walekum assalam. लोगों ने तारे सारी निकाल दी चक्की कड़ी का मैं भी लगा लेती हूँ तारे. अगर ये इसकी ही है मैं जरा साफ साफ नजर आऊंगा. थैंक यू वहीद खालिद. थैंक यू गुजर. जजाकल्ला मुजम्मिल हुसैन. शबीरुल हक. राबिया सुल्तान ये कौन है? राबिया सुल्तान कौन है? ओके एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क मी. दिस जो भी आप मेरे से पूछ रहे हो कहते हैं फिरौन की क्या करूँगी जो लैपटॉप यूज करी है अभी तो उनका फिरंगियों का है. स्केचिंग आज तो कैलीग्राफी का वादा था तो आज मैंने कैलीग्राफी थोड़ी बहुत बता दी आपको कल. अब मेरा दिमाग उसी पे रहना है कल तक. थैंक यू प्रिंस कश्मीरी अल्हम्दुलिल्लाह. अलीज़े फातिमा हाय की जगह सलाम मुझे बहुत पसंद है अलीज़े. Thank you, Abbali. Wa alaikum assalam, Sikandar. When you get married, no personal questions. Alize Fatma. Ji. Thank you, your princess. Muhammad Ahmed. Music chhod kar aana kitna mushkil tha apni guraya bhai. Wo mushkil nahi tha. Dekho, maine concert chhodi, Allah ne concert hi band kara diya. Main bas khush alhamdulillah. Apni zindagi mein khush rehna chahiye. Jo hai, jitna hai, usme khush rehna. सच में लाइव यकीन नहीं आ रहा मुजम्मिल हुसैन. जो पूछना पूछिए भाई. उसके बाद तो मेरी टीम टेक ओवर थे तो भी कैलीग्राफी बुक परचेज की थी बट मुझे समझ नहीं आ रही थी लिखना. प्लीज आपकी बुक से भी सिखा. अच्छा ठीक है नेक्स्ट में बुक से भी लेसन करा दूंगी. थैंक यू अली आलिहा असद. थैंक यू सो मच मीजान. थैंक यू सो मच. और खैरियत मैडम. हाँ जी इरफान भाई बिल्कुल खैरियत. अख्तियार दादी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. फातिमा आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. अबू जर इस्लामिक सॉन्ग नहीं बनाएगा क्या? इस्लामिक सॉन्ग नहीं होता वो नाकर हम होती है. बहुत पढ़ ली है मैंने आप देख लो. अच्छा आप मुझे प्यार से राबिया सुल्तान कह रहे हैं. अच्छा लीमा बेचारी को तो टेंशन हो गई होगी. नहीं वो शी इज़ वेरी प्रिटी. अल्लाह उनको खुशियाँ दे. सारे लोग बहुत प्यारे हैं तो आमीन. अल्लाह हम सब की जिंदगी में आसानी करे. थैंक यू फजान कुरैशी. अल्लाह आपको भी इज्जत से इज्जत की जिंदगी दे. कोई क्वेश्चन करना है तो कर लो.
फिर मैं जा रही हूँ, बाय बाय डाटा, बाय बाय। अच्छा हाथों के बारे में मेरा अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं हाथ, अभी गौर से देख लो, वो ना राबी जो है ना उधर मुंह कर लेती है और वो ऐनक वाली कोई लड़की होती है, वो भाई मेरे हाथ पहचानो मेरी शहादत की उंगली सबसे बड़ी है, दिस इज द बिगेस्ट फिंगर ऑफ माई हैंड, दोनों हाथों शहादत की उंगली है वो सबसे बड़ी है, आई हैव डिफरेंट हैंड, और मैं ये चाहती हूँ आप मेरी शक्ल भूल जाए मेरे हाथ याद रखे, इसलिए मैं शक्ल नहीं भूल पाती। थैंक यू उस्मान। शौक कैसे हुआ? अल्लाह ताला ने करवाया, मुझे पहले इतना शौक नहीं था। अभी आप सिंगल हैं या मैरिड? पर्सनल क्वेश्चंस नहीं। इस्लामिक टीचर तो मेरा कुरान पाक है सर्जील सेश। अच्छा ओके, मैं कह देती हूँ शर्जील जाहिर आपका क्या हाल है, शर्जील जाहिर आपका क्या हाल है? तुम्हारे बगैर ईद गुजरेगी है जुदाई की, नहीं समझ, इतनी शायरी तो मुझे नहीं समझ आती। शाहरुख प्लीज राबी टेल मी योर एज फर्स्ट की, लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछते, तो मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलती इसलिए बिल्कुल नहीं बताऊंगी। गुड नाइट सिस्टर, गुड नाइट शेरोज भाई, नहीं मैंने एज वेज नहीं बतानी अपनी। थैंक यू। ओके सो नाच सुना दे अभी, नहीं नहीं सुबह से ये अभी पीछे जो खाना का आपको नजर नहीं आ रहा, ये मुझे कंप्लीट करना है और एक अंकल कंप्लीट किया, वो यहाँ पर नहीं है। नाच नहीं सुना सकती। इंडिया कब गई थी मैडम? मैं इंडिया गई थी, इंडिया में मैं एक बात पता नहीं लगता मुझे, हिंदू ही बुरे लगते हैं मुझे, इंडियन सारे लोग अच्छे लगते हैं, मुझ पर फतवा ना लगा देना, लेकिन जब मैं वहाँ पे गई थी तो मुझे लोगों ने बहुत प्यार बहुत रिस्पेक्ट दी थी। नोबडी न्यू राबी पीरज़ादा इज़ दे हैव देयर ओन स्टार्स, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता था मैं पाकिस्तान में आई, पाकिस्तान से आई हूँ, तो इंडियंस बहुत इसे देते थे। थैंक यू डॉक्टर जीशान, थैंक यू जज़ाकअल्लाह खैर। तो थैंक यू इमरान अली, किमानी कयूम, तो मुश्किल मुश्किल नाम है यार। अपने बेटे की तस्वीर भेजूंगा वो बनाए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कैलीग्राफी को दोबारा बता दे, वो मैं अब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। थैंक यू नाथ, मुझे भी बहुत पसंद है शानजे, है ना शानजे, यू आर टू गुड, यू आर द ट्रू गर्ल। मस्कत गुड नाइट, मस्कत में एयरपोर्ट पे तो बहुत दफा ट्रांजिट किया हुआ। थैंक यू अली, आई यूज टू वेयर वेस्टर्न ड्रेसेस एंड यस आई यूज टू सिंग। नूर स्टैंग कौन सा नूर स्टैंग द मीम, ऐसे ही जाकर सो जाना। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर जीशान, आई वॉन्टेड टू बी, आई डेंट वॉन्ट टू बी, माई मॉम वॉन्टेड मी टू बिकम अ डॉक्टर and I was really intelligent, then I ended up becoming a software engineer and because agar aapko pata hoga to mujhe na tk se bada dar lagta hai, to brilliant hone ke bawajood maine kaha maa mujhe doctor nahi banna, badi meherbani। chudiyan alize I can say something, jab main media mein thi na chudiyan paranda paaye, ye teen cheeze hain jo mujhe bahut pasand hai aur ye teenon cheeze somehow media ke logon ke liye Jesus, Pendu, she's outdated. To hell with you, I'm outdated and Pendu, I'm Kashmiri. I love churiya, I love paranda, I love pile. Half minute reh gaya. Thank you. No, I'm not studying medicine. I don't want to study medicine. I cannot prick anyone. Mujhe koi tika nahi karna. Ijtimai dua hum kare, lekin dekho na, ijtimai dua karne ke hamare halaat nahi hai. हमारे दिल काले, हमारी बातें बेईमान, हमने चीटिंग करनी है, हमने चोरियां करनी है, हमने झूठ बोलने, फिर हमने इस्तेमाई दुआ करके अल्लाह अल्लाह ताला को सब पता भाई। मैं आपको क्या क्या बात बताऊं जो मैं सारा दिन में फेस करती हूँ, नो आइडिया। अगर मैं आपको बता दूं कि हम पाकिस्तानियों का क्या हाल है, और नोबडी शुड टेल मी, मुझे कोई डिक्टेट ना कराए, जितने मुल्कों के आपको नाम याद है ना उतने मुल्कों में मैं कॉन्सर्ट्स करके रह कर आई हूँ। पाकिस्तानियों का हाल इतना ख़राब है, इतना ख़राब है, हर बंदे को जिसको थोड़ी सी थोड़ी सी भी क्या कहेंगे मौका मिलता है ना तो वो हमारे सर के ऊपर डांस करता है, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो डॉक्टर हो, बहुत बुरे हालात हैं। तो मैं वैसे तो कश्मीर से हूँ बट मैं लाहौर में से हूँ, तो हालात बहुत ख़राब है भाई।
इंडिया आई थी, अब तो इंडिया में आई क्योंकि तो मोदी के बड़ी दुश्मनी रही थी भाई मेरी और मोदी की, तो अब तो नहीं आ सकती, लेकिन आई थी। अब मोदी मुझे बुलाएंगे तो मैं इंडिया आऊंगी। मेरी आवाज बंद हो रही है? अच्छा चलो, चलें जी, द टाइम इज ओवर। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मी गोइंग बैक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट फ्राइडे को, अच्छा टाइम मुझे बता दें क्योंकि मैं तरावियां नहीं खराब करना चाहती, तो जो टाइम आप बताएंगे ना हम उस लेंगे। लाइक बंद कैसे होता है एंड स्ट्रीम? थैंक यू अदनान भाई, इतने लेट आया, मैं जा रही हूँ। बाय 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 बाय, रिबाइंड करके देख लेना। गुड नाइट एवरीबडी, गुड नाइट। अल्लाह से दुआ मांगे मेरे लिए। हाँ टाइम आप लोग कंफर्म कर लेना। अदनान भाई जो है बेसिकली ही इज द आईटी हेड ऑफ रावी फिजा फाउंडेशन एंड ही एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग ऑन द साइबर वर्ल्ड फॉर मी। ही इज रावी ऑफ द साइबर वर्ल्ड। अक्सर पोस्ट भी अदनान भाई लिखते हैं, तो इनको आप बता सकते हैं ही इज देयर अदनान शाहिद। टाइम इनके साथ डिस्कस कर लें। आई एम लिविंग 10 PM। हाय नहीं, मैं सो जाऊंगी अभी, मुझे उठना होता है रात को। अल्लाह हाफिज़।